नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे। जैसा कि हम आपको बता दें कि यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्करों को ग्रेच्युटी देने के संबंध में हाईकोर्ट के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों को बहुत बड़ी जो है कि खुशखबरी दी गई है। जैसा कि हम आपको बता दें कि हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया वो आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में जो है कि सुनाया गया है। जैसा कि हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी वर्करों को ग्रेच्युटी के मामले में जो है कि हाईकोर्ट और जो है कि राज्य सरकार आमने सामने यहाँ पे दिख रही है। जैसा कि हम आपको बता दें कि यहाँ पे सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई है, जिसके संबंध में जो है कि ये आदेश जारी किया गया है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखते हैं और जानते हैं। उससे पहले आप हमारी वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर हेडलाइन दिख रहा होगा कि आंगनबाड़ी ग्रेच्युटी मामले में हाईकोर्ट ने लगाई राज्य सरकार को कड़ी फटकार, तो यहाँ बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी ग्रेच्युटी मामले में हाईकोर्ट ने जो है कि कड़ी फटकार लगाई है राज्य सरकार को। इसमें जो है कि क्या कड़ी फटकार लगाई है कि आंगनबाड़ी वर्करों को ग्रेच्युटी देने के लिए आदेश जारी किया गया था। यह आदेश जो जारी किया गया था 22 नवंबर 2023 को, उसके बाद जो है कि न तो आंगनवाड़ी वर्करों को इसका लाभ दिया गया है और न ही जो है कि इस मामले में आपत्ति दर्ज की गई है, जिसको देखते हुए हाईकोर्ट के द्वारा जो है कि यहां पे कड़ी फटकार लगाई गई है, इसकी अवहेलना करने माना है सरकार ने। आइए देखते हैं। यहां बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर रखते हुए यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा जो है कि झटका दिया है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने योगी सरकार के सचिव और केंद्र सरकार के सचिव को कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के लिए नोटिस जारी किया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सचिव द्वारा जो है कि हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है, जिसके संबंध में नोटिस जारी किया गया है। अवगत हो कि हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी वर्कर और सहायिका को जो है कि ग्रेच्युटी का लाभ दिए जाने के संबंध में 22 नवंबर 2023 को आदेश जारी किया गया था। इस आदेश के अनुसार आंगनवाड़ी वर्कर को भी जो है कि ग्रेच्युटी का लाभ लेने की हकदार है। बताया जा रहा है कि इनको भी लाभ मिलना चाहिए। इस आदेश को जारी करने के बाद हाईकोर्ट द्वारा जो है कि सरकार को 4 महीने के अंतर आपत्ति दर्ज करने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पे 4 महीने का समय दिया गया था सरकार को कि आप 4 महीने के अंदर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है कि 6 महीने बीतने के बाद भी न तो आपत्ति दर्ज की गई है, न आंगनवाड़ी वर्करों को इसका लाभ दिया गया है। बताया जा रहा है कि लेकिन सरकार 4 महीने की मोहलत देने के बाद भी न तो जो है कि आंगनवाड़ी वर्करों को लाभ दिया जा गया है और न ही जो है कि आपत्ति दर्ज की गई है। और 6 महीने बीतने के बाद सरकार जो है कि डबल बेंच में जाकर सिंगल पीठ के द्वारा दिए गए निर्णय को चुनौती दे रही है, जबकि 30 अप्रैल को जो है कि राज्य की बहुत आंगनवाड़ी वर्करों को रिटायर किया गया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्करों को 30 अप्रैल को रिटायर किया गया है, इसमें आंगनवाड़ी वर्करों को लाभ नहीं दिया गया है और 6 महीने बीतने के बाद सिंगल पीठ के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था उसको जो है कि डबल पीठ में जाकर सरकार ने चुनौती दी है उस आदेश को। उसके बाद बताया जा रहा है कि इस संबंध में आंगनवाड़ी वर्करों को ग्रेच्युटी का भुगतान न किए जाने पर लखनऊ पीठ ने कोर्ट की अवमानना करने पर केंद्र और यूपी की सरकार के सचिव को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की सचिव बीवी चंद्रकला और अन्य अधिकारियों को जारी किए गए नोटिस में कारण पूछता है कि आखिर कोर्ट के आदेश की जानबूझकर जो है कि अवहेलना करने के लिए उन्होंने क्यों जो है कि दंडनीय किया जाए। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है कि कारण बताने में यहाँ पे नाकाम रहने पर इन विभागीय अधिकारियों को कोर्ट में तलब कर इन पर अवमानना का जो है कि आरोप तय किया जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि लखनऊ पीठ की न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने जो है कि कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव और राज्य सरकार के सचिव और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछता है कि उन्हें जो है कि आदेश की अवज्ञा से दंडित क्यों न किया जाए। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पे नोटिस जारी किया गया, इन पे बताया जा रहा है कि इनके द्वारा जो है कि कोर्ट के आदेश का अवहेलना किया गया है और न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने जो है कि सख्त लफ्जों में कहा कि कारण बताने में नाकाम रहने पर केंद्र और राज्य की अधिकारियों को तलब कर उनके खिलाफ आरोप तय किया जा सकते हैं। अब इन लखनऊ
कोर्ट के मामले में जो है कि अगली सुनवाई 26 जुलाई को करेगी। देखना है कि अब केंद्र या राज्य सरकार इस मामले पर अपना क्या पक्ष रखते हैं। लेकिन कड़वा सच ये भी है कि इन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से रिटायर हो चुकी आंगनवाड़ी वर्करों को ग्रेच्युटी का लाभ मिलने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे इन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आंगनवाड़ी वर्करों को जो है कि यहाँ पे ग्रेच्युटी नहीं मिल पा रही है। हाई कोर्ट के द्वारा बार बार आदेश जारी करने के बाद भी यूपी सरकार न सुन रही है और न ही जो है कि केंद्र सरकार सुन रही है और ना आंगनवाड़ी बहनों को जो है कि ग्रेच्युटी का लाभ मिल पा रहा है। तो ये आंगनवाड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इस पर आप सभी आंगनवाड़ी बहनों का क्या राय है, आप जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्या ये जो है कि आंगनवाड़ी बहनों को हाईकोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया ग्रेच्युटी के लिए ये सरकार देना चाहती है या नहीं देना चाहती, आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये थी आज की बड़ी खबर जो हम आपको पूरे डिटेल से दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।